आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि एक बड़ी सूर्य का पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। कल्पना कीजिए कि एक 100 फीट व्यास वाला एक पत्थर अंतरिक्ष में तैर रहा है। ये पत्थर अचानक ही पृथ्वी के करीब आ जाता है और 28,600 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा जाता है तो क्या होगा, कभी आपने सोचा है? 50,000 साल पहले ऐसी घटना घटी थी। इस टक्कर के दौरान 25 लाख टन TNT जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ था और इतनी भयानक टक्कर की वजह से एक मील के तिमाही जितना चौड़ा और 560 फुट गहरा एक विशाल क्रेटर बन गया। इस टक्कर से पृथ्वी के लाखों टन जितना हिस्सा बाहर अंतरिक्ष में उड़ गया और कुछ हिस्सा टक्कर की गर्मी से पिघल गया। लेकिन जब यह पृथ्वी से टकराया उस वक्त क्या हुआ होगा? धमाका, आसपास के क्षेत्र की सभी चीजें भाप बनकर उड़ गई होंगी। टक्कर के आसपास के 3 मील के क्षेत्र में प्रति सेकंड 880 फुट से अधिक तेजी से चलती हवाओं का झटका लगा होगा। 483 मील जितने क्षेत्र में सभी वनस्पति नष्ट हो जाएंगी। यह टक्कर न्यूयॉर्क शहर को पूरी तरह से सफाया करने के लिए काफी है। लेकिन वो 50,000 साल पहले जो टक्कर हुई थी इतनी बड़ी नहीं थी। चिकक्लूब टक्कर के दौरान टकराने वाला उल्का का व्यास 6 मील का था और उसकी टक्कर से बनने वाले क्रेटर के अंदर 117 जितने एरिजोना के क्रेटर समा सकते थे। चिकक्लूब क्षुद्र ग्रह के कारण 66 लाख साल पहले पृथ्वी पर मौजूद सभी पौधों और जानवरों के 3/4 जितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह भयानक रूप से शक्तिशाली होते हैं लेकिन अविश्वसनीय रूप से वे दिलचस्प हैं। उन्हें थोड़ा गलत समझ लिया गया है। उल्का, एस्टेरॉयड और धूमकेतु वास्तव में अलग अलग चीजें होते हैं, भले ही वे एक ही जगह से आते हों। एक एस्टेरॉयड अपेक्षाकृत छोटी सी चट्टान होती है जो सूरज के चक्कर लगाता रहता है। एक धूमकेतु अपेक्षाकृत छोटी सी वस्तु है जिसके ऊपर की बर्फ सूरज की गर्मी से भाप बन जाती है। इसके अंदर की भाप और धूल के कण इसके पूंछ जैसा हिस्सा बनाते हैं। एक उल्कापिंड धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। उल्का प्रकाश से होने वाली घटनाएं, जब एक उल्कापिंड हमारे वातावरण में प्रवेश करता है और वाष्पीकृत हो जाता है, जिसे आमतौर पर एक टूटते तारे के रूप में जाना जाता है, और एक उल्कशील वह होती है जब एक उल्कापिंड हमारे वातावरण में प्रवेश करने के बावजूद वाष्पीकृत होते पृथ्वी की सतह पर टकराता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एरिजोना की उल्का जैसी उल्काएं पृथ्वी पर हर 300 सालों के अंदर पर टकराती रहती है। हालांकि हमारे वातावरण में क्षुद्र ग्रहों की टक्कर बहुत आम है। लगभग हर दूसरे सप्ताह 3 फीट के व्यास वाला एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ आता है और वातावरण के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाता है। हालांकि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं, जैसे कि फरवरी 2013 में चेलियाबिंस्क रशिया में आ गया था। यह विशाल आग का गोला आकार में कुछ 59 फुट चौड़ा और वजन में 11,000 टन होने का अनुमान किया जाता है। सौभाग्य से यह हमारे सतह के साथ टकराने से पहले ही टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो गया और जलकर राख हो गया, लेकिन यह अभी भी खिड़कियों के कांच उड़ाने में सक्षम था। वातावरण के साथ इसका संपर्क होते ही यह विस्फोट के साथ जल गया और इसकी वजह से जो शॉक वेव पैदा हुई उसने सभी इमारतों को हिला डाला और 1,000 से अधिक लोगों को घायल किया। नासा का कहना है कि 1.5 मील से बड़ा एक क्षुद्र ग्रह वैश्विक स्तर पर घातक नुकसान का कारण बन सकता है। जरा डायनासोर की विलुप्ति के स्तर के बारे में सोचिए। आपके लिए किसी शार्क मछली के हमले की वजह से मरने से ज्यादा एक एस्टेरॉयड के टक्कर की वजह से मरने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन ऐसे क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु कई बार जीवनदायक भी हो सकते हैं। वे पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी तत्व या कई छोटे छोटे जीवों को अपने साथ लाते हैं।
लेकिन ये अपने साथ भयानक बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे वायरस या एलियन जंतु भी ला सकते हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी पर महामारियां फैल सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने के लिए ऐसे ही किसी आकाशीय पिंड का हाथ हो सकता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।